My name is Anish Singh Thakur and welcome to this very important video related to the Forex series. Stock market trade करना है, Zerodha में account खोले, NSE में trade करेंगे, SEBI उसको regularize कर लेगी, कोई problem नहीं, it's very safe. But Forex market में trade करने के पहले, क्या आपको मालूम है, कितने type के brokers होते हैं, उनको कौन manage करता है, आपका जो trade है, वो trade कहाँ जाके execute करता है, कई बार सुनने मिलता है, कि यार मेरा तो stop loss हिट हुआ ही नहीं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, लेकिन फॉरेक्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये किसकी गलती है? मेरा टारगेट तो हिट हो गया था, फिर मार्केट पुल बैक किया, लेकिन यहां तो दिखा रहा है टारगेट हुआ नहीं, मेरा लॉस दिखा रहा है. ऐसी बहुत टाइप की छोटी छोटी और एक्चुअली छोटी नहीं बड़ी ही कहूंगा, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी मिलती है लोगों को. और क्या आपका पैसा आपके फॉर, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, इज योर मनी सेफ? बिकॉज अ मिलियनेयर ट्रेडर विल थिंक आई हैव अ $5 million ट्रेडिंग अकाउंट. क्या वो कैश में? नहीं, आपका पूरा पैसा हमेशा एक ब्रोकर के पास रहेगा. कल को सक्सेसफुल बनने के बाद मालूम चलता है कि यार ये तो कहानी देकर के कुछ ब्लेम लगा के चले गए पैसे, तो क्या मतलब होगा? तो बिफोर यू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग और इफ यू आर इवन डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, फुल वीडियो. आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेगा कि कितने टाइप के ब्रोकर होते हैं और हमें कैसे ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए. सो आई सी यू इन द आउटरो वीडियो. हेलो गाइज, माई नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस वीडियो. Well, you already know the topic and everything. This is regarding Forex. And before we start doing Forex, जो हम करने वाले हैं, हम लोगों को पहले Forex के बारे में थोड़ी चीजें जाननी जरूरी है. Like exactly सबसे important part जो होता है Forex trading का, वो होता है हमारा broker. अभी broker के साथ हमारा क्या relation, आपको मालूम है, we put our money in the broker's account and then we trade. We make money, we lose money, whatever it is, their concern only should be their commission. Nothing else, right? ऐसा ही होना चाहिए. स्टॉक मार्केट में तो ऐसा ही होता है क्योंकि वहां पे एक सेंट्रल एक्सचेंज है. अभी सेंट्रल एक्सचेंज NSE BSE को भी देखने के लिए सेबी है, तो सिंपल फंडा है, तो उसमें सा फ्रॉड होने का ज्यादा चांस नहीं होता. स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड प्लेस. मतलब हमें खुद अपनी ट्रेडिंग से परेशान है यार, हमें अपना प्रॉफिट करने में इतनी मेहनत लगती है, अभी बाकी कौन टेंशन झेले. बट फॉरेक्स मार्केट ऐसा नहीं है. ऊपर से इंडिया में स्पेशली ऑलरेडी फॉरेक्स लीगली बैंड है, आप ऐसा कर नहीं सकते. कोई कंपनी अपना ऑफिस डालती नहीं है वहां पे, ऐसा लीगली डाल नहीं सकती बड़े लेवल पे, तो बट चल रही बहुत सारी चीजें. उन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए आज हम लोग ये वीडियो पे आ रहे हैं और यहां मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि पहले होते क्या है ब्रोकर्स, कितने टाइप के होते हैं. अभी जो इंडिया में चल रहे हैं, इंडिया में दोनों टाइप के चल रहे हैं. अभी किस तरीके से हमें किसके साथ अपना बड़ा फंड हम डाल सकते हैं, छोटा मोटा फंड 10-15-20 हजार, 1-2 लाख, ठीक है, अगर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक डालना है तो क्या हम डाल सकते हैं, किस तरीके की कंपनी होनी चाहिए जहां हम ये फंड डाल सकते हैं, इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे. चलो चालू करते हैं. नाउ विल स्टार्ट द वीडियो एंड एक्सप्लेन यू अबाउट फॉरेक्स ब्रोकर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो विल गो अहेड नाउ फ्रॉम दिस आईपैड. क्लियर द पेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले समझते हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है. यहाँ पे NSE है, NSE कनेक्ट करता है Zerodha, अपस्टॉक्स, ठीक है, और इनसे कनेक्टेड है हम ट्रेडर नंबर 1 और ट्रेडर नंबर 2. अगर मुझे कुछ बाय करना है तो ये मुझे सेल करेगा, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देंगे. ये मुझसे फीस चार्ज कर लेगा थोड़ी सी और ये इनसे फीस चार्ज करेगा थोड़ी सी, और ये कनेक्शन चलता जाता है. प्रॉपर सेबी नाम की एक और अथॉरिटी है जो इन सब चीजों पे ध्यान देती है कि कुछ फ्रॉड वगैरह गलती ना हो, कोई कंज्यूमर का गलती से कोई पैसा डूब ना जाए, फॉर एग्जांपल फॉर दिस. बट नाउ व्हाट हैपेंस इन फॉरेक्स, फॉरेक्स में भी कुछ इसी तरीके का होता है, बट देयर इज नो सेंट्रल एक्सचेंज. तो कैसा काम करता है ये कैसे काम करता है? So, यहां पे बेसिकली बिग बैंक्स, बिग कमर्शियल कंपनीज, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एंड ऑल द पीपल, दे ट्रेड करेंसी, गोल्ड या कमोडिटीज की भी बात करूं, हम इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स, एक अच्छे फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू. तो अभी बात करते हैं यहां पे बेसिकली क्या होता है. अब मैं आपको बताता हूं यहां पे बेसिकली क्या होता है. जो सबसे बड़ा, जो यहां पे एक्सचेंज के बदले ना, जो मैं आपके लिए देखो
मैं आप मेरे को टेक्निकली पकड़ने जाओगे तो हो सकता है आपको लगेगा नहीं आपने यहाँ पे ये मिस किया, आपने यहाँ पे वो ऐड किया एक्स्ट्रा। हाँ मैं आपको समझ में आए उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे थोड़ा ना एग्जाम लिखना जा करके आए, हमको थोड़ा ना CFA Level 3 का एग्जाम देना है, हमें तो अपनी ट्रेनिंग से मतलब है, हमें उन सारी चीजों से मतलब नहीं जो बुकिश नॉलेज है। मैं आपको समझाने चाहता हूँ एग्जैक्टली जो आप समझना चाहते हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के बदले हम टर्म्स यूज करेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके पास टाइम नहीं है कि वो ट्रेडर्स को आकर के छोटे छोटे अकाउंट खोल करके दे, इनका कनेक्शन होता है ब्रोकर्स के साथ, ठीक है, और ब्रोकर का कनेक्शन होता है ट्रेडर्स के साथ, जैसा मैंने आपको अभी तक बताया। इनका कनेक्शन होता है किस तरफ, बड़े बड़े बैंक्स के साथ, बड़े बड़े बैंक्स के साथ, बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज के साथ, बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ, बड़े बड़े डीलिंग डेस्क के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ इनका कनेक्शन होता है। एंड ये फिर इस तरीके से बाइंग सेलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है और होना चाहिए जेनुइन फंडा, बेसिकली ब्रोकर के भी आगे की कहानी। अब क्या होता है, ब्रोकर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो पुराने जमाने में ज्यादातर चलते थे और बेसिकली आज भी आप बता नहीं सकते नए जमाने में भी कि क्या वो एक डीलिंग डेस्क ब्रोकर है या फिर वो एक ECN+STP ब्रोकर है। ECN मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड STP का मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। अगर कुछ चीजें इस वीडियो में समझ में ना आए गूगल करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएंगी, बट मैं समझा जरूर दूंगा। तो हम पहले समझते हैं ECN ब्रोकर क्या होता है। ECN ब्रोकर या स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग वो ब्रोकर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपके ऑर्डर्स को स्ट्रेटली प्रोसेस कर देता है। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब है अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, ये आपका ब्रोकर है, लेट्स से योर ब्रोकर इज एन ECN/STP ब्रोकर, एंड ये ब्रोकर आपको यूरो यूएसडी एक पेयर यूरो यूएसडी आप लॉन्ग जाना चाहते हो, मतलब इसको बाय इसको शॉर्ट करना चाहते हो, तो आपने बाय किया, ठीक है, तो इनके पास ऑर्डर पहुंचा, इन्होंने सीधे आपको ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, देखा ही नहीं आपका ऑर्डर कितना बड़ा है, क्या वॉल्यूम है, आप क्या कर, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई भी मतलब नहीं, दे डायरेक्टली फॉरवर्ड योर पोजीशंस टू लिक्विडिटी प्रोवाइडर एंड देन दे इंस्टेंटली मैच विद सम अदर ट्रेडर नंबर टू। नाउ इफ यू मेक मनी ही लूज मनी, ही विल लूज मनी, बट इफ ही मेक मनी यू लूज मनी। लेकिन बीच में जो भी फिनोमेना हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं, ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर को मतलब है ना आपके ब्रोकर को मतलब है, देयर इज नो इंटरेस्ट, दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन देयर मनी, दैट इज देयर कमीशन। जो मैं अगला वीडियो तुरंत बनाऊंगा जिसमें कमीशन समझा पाऊं किस तरीके के कॉस्ट होते हैं, स्वाप स्वैप्स स्प्रेड्स एंड कमीशंस एंड और भी कुछ फंडे होते हैं, वेडनेसडे वगैरह का, वीकेंड का, मैं सब समझाऊंगा अगले वीडियो में, तो बहुत जल्दी आएगा, मतलब हो सकता है आज या कल ही आ जाए, दो परसों आ जाए। तो ये होता है फंडा, इसको बोलते हैं ECN, मतलब इनको कोई मतलब नहीं है, आप कमाओ या आप लूज करो इन्हें कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं ECN/STP ब्रोकर, ठीक है, ओके। अब डीलिंग डेस्क क्या होता है, अब डीलिंग डेस्क क्या होता है गाइस, अभी डीलिंग डेस्क एक ऐसा ब्रोकर होता है जब जो आपके बदले काउंटर ट्रेड ले लेता है, मतलब आप ट्रेडर हैं, ठीक है, आप ट्रेडर हो, आपने यूरो यूएसडी बाय किया, आपने यूरो यूएसडी पे लॉन्ग गए तो इसने सेल कर दिया, मतलब अब अगर आपको पैसा कमा, अगर आपने पैसा कमाया तो लॉस होगा ब्रोकर का, और अगर आपने लूज किया और अगर आप हारते हैं तो ये ब्रोकर का फायदा है। तो यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत करेगा, वो थोड़ा ना ट्रेड तो आप ले रहे हो, लेकिन एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मेरा कस्टमर मेरा पैसा बना रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, मेरा कस्टमर अगर पैसा गवा रहा है मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या होता है, मोस्टली कंपनी कहती हम तो ECN है, दे से दैट वी आर ECN, हम सारे लोग आजकल मैक्सिमम कंपनी बोलेगी हम तो ECN है, हम तो ECN है, हम तो डायरेक्टली आपका ऑर्डर डाल देंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी अभी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आप ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका जो ट्रेडर हो, आपको आपका जो ब्रोकर हो जहां पर ट्रेडिंग कर रहे हो, वो कहता हो वो ECN है, बट वो ना हो, वो कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली हर कंपनी ECN बन सकती है बट जेन्युइनली वो है कि नहीं है, ये कैसे पता करें, अभी बात करते हैं उस बारे में। अच्छा अब आप लोगों को ये तो मालूम होगा, फॉरेक्स का वीडियो देख रहे हो, नहीं मालूम होगा तो बताता हूं, जो फॉरेक्स के चार्ट्स होते हैं,
अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ और अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपके सामने फॉरेक्स की मेरी वॉचलिस्ट खोलता हूँ, तो ये जो खुला हुआ है ना गाइस, यूरो यूएसडी, यहाँ पे जो मैंने जैसे खोला, ये तो रिलायंस खुल गया, एक मिनट, जैसे मैं ये खोलता हूँ, यूरो यूएसडी खोलना है, जस्ट 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे देखो एफएक्ससीएम लिखा दिख रहा है आपको, एफएक्ससीएम, ये एफएक्ससीएम का चार्ट है उस ब्रोकर का। अभी यूरो यूएसडी अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमें 10 टाइप के चार्ट मिल जाएंगे। देखो यूरो यूएसडी लिखा मैंने, तो हमें 10 टाइप के चार्ट मिल जाएंगे, देखना ना, एफएक्ससीएम, ओवांडा, forex.com, ICE, सेक्सो बैंक, capital.com, ग्लोबल प्राइम, currency.com, दिख रहा है आप लोगों को, तो कितने टाइप के आ गए। तो कुल मिलाकर के ये जो चार्ट्स होते हैं ना, जिनके आप स्टॉप लॉस लगाते हो या टारगेट लगाते हो, ये आप हो सकता है ट्रेडिंग व्यू पे ओवांडा का देख रहे हो, forex.com का देख रहे हो, लेकिन आपका ब्रोकर उसको नहीं मानेगा। आपका ब्रोकर आपके MT4 MT5 में अलग चार्ट दिखाएगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कई बार आप लोगों को तो नहीं, अब तक किया नहीं है, अगर किया है तो आपने शायद फेस भी किया होगा या सुना होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, इस चार्ट पे तो हुआ नहीं, उस चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो ब्रोकर यहां तो हिट हुआ है, अब ये कैसे होता है। अब मैं नहीं कहता हूं दे मार्केट मैनिपुलेट करते, बट कुछ हद तक ये चीज सही भी है जो हो सकती है। अब बात करते हैं कैसे। तो कुल मिलाकर के जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो अपना, जो आप अपना टारगेट लगाते हो, ये जो चार्ट आप जेन्युइन चार्ट देख रहे हैं किसी tradingview.com पे, उस पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, एक लॉन्ग विक रिजेक्शन बन गया, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो उनका अकाउंट है, वो उनके चार्ट है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण कई बार बहुत ब्लेम करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स, बहुत नेगेटिव इमेज होती है कई सारे ब्रोकर्स की, इसी कारण से कि कई लोग, हर किसी के साथ तो नहीं बट कुछ लोगों के साथ होता है, स्पेशली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ। लूजिंग ट्रेडर्स को तो वो कई बार जाने भी देते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मालूम है आखिरी में पैसा उन्हें कमाना है। तो अब क्या करते हैं गाइस, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। अब ऐसा नहीं कि टोटल फ्रॉड कर रहे हैं ईसीएन ब्रोकर, ये बिल्कुल ओपन है, आप पता कर सकते हैं। आजकल क्या करते हैं सारे डीलिंग डेस्क, बोलते हैं हम ईसीएन ब्रोकर्स हैं, और दो चीजें बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, व्हाट दे डू व्हेन एवर यू ट्रेड विद देम, दे क्लासिफाई योर सेल्फ एज अ लूजिंग ट्रेडर और अ विनिंग ट्रेडर। अब ये कैसे मालूम चलता है, देर आर सो मेनी क्यू एस आर क्वांट गाइज, क्वांट, देर आर सो मेनी मेथड राइट नाउ जिनके थ्रू आपकी हिस्ट्री देख करके या आपके ट्रेडिंग तरीके को देख के, आपके कैपिटल को देख के, आपके ट्रेड देख के बता सकते हैं कि आप ओवरऑल बाद में लूज ही करोगे और आप एक विनिंग ट्रेडर हो। जितने भी विनिंग ट्रेडर्स इन ब्रोकर के पास ट्रेड भेजते हैं, ये डायरेक्टली उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके फॉरवर्ड करते हैं, और जितने भी लूजिंग ट्रेडर्स के ट्रेड होते हैं ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके से बिजनेस करते हैं। ये इलीगल नहीं हुआ, ये ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि आपका ब्रोकर ये काम कर रहा है कि वो सारे के सारे वो अपने ऊपर ले रहा है। अच्छा, ईसीएन बोले तो अपने ऊपर ले नहीं सकते, लेकिन अब एक ध्यान से इलेक्ट्रॉनिकली बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप है ट्रेडर, ये आपका ब्रोकर है जो कहता है मैं ईसीएन हूं, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली आपको एलपी के पास भेज रहा हूं। अभी कोई एलपी कोई एक कंपनी नहीं है, हजारों कंपनी है। क्या होता है, कई सारे यही लोग अपनी एक दूसरी कंपनी बना के बोल देते हैं, वो तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, मतलब कंपनी दूसरी, नाम दूसरा, बट है उन्हीं का पार्ट। आखिर में वो दिखा रहे पब्लिक को कि नहीं भाई हम तो इधर बेचते हैं, ये भी इन्हीं की कंपनी है, आखिरकार वो अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है गाइस, कंपनी बहुत पैसा कमाती है, बहुत पैसा कमाती है, कई बार कुछ हो सकता है उल्टा सीधा भी कर दे, अनएथिकल एथिकल, डिपेंडिंग विच कंपनी यू डीलिंग विद। और कई बार कोई ट्रेडर अचानक से विनिंग ट्रेडर बन जाता है, फिर बहुत बड़ी गोल्ड में मूवमेंट आ गई, फिर बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर डाला, यहां पे फिर बातें चालू होती कि नहीं तुमने तो कोई रूल तोड़ा, अरे इंडिया में तो इलीगल है, अरे आप तो ऐसा नहीं कर सकते, अरे आपने कुछ ना कुछ बोल के बहस करके क्या हजारों कस्टमर है काट देते हैं, क्या एक रिव्यू लिखेगा नेगेटिव, और ऐसे करके धीरे धीरे नेगेटिव रिव्यू आना चालू होते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि आपका ईसीएन ब्रोकर जो ईसीएन हो के भी हो सकता है वो डीलिंग डेस्क ही हो जो इसे रीराउट करो, तो क्या सोल्यूशन इन बातों का, क्या सोल्यूशन इन बातों का। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन है एक जेन्युइन ब्रोकर के साथ काम किया जाए, जो मैंने बिल्कुल ढूंढा हुआ है, एंड आई डेफिनेटली, अब अगला वीडियो हो सकता है उसी के बारे में हो, और एक और वीडियो बनाना जरूरी है बिफोर यू गेट स्टार्ट ट्रेडिंग। यू शुड नो, जैसे कमीशन जीरो था, मैं समझता हूँ 20 रुपए पर लॉट, आप स्टॉक्स में समझते हो 20 रुपए पर लॉट लग रहा है, कोटक में इतना परसेंट लग रहा है, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट फॉरेक्स। तो मैं वो लॉन्च करके फिर मैं आपको ब्रोकर दूंगा, ताकि कोई लॉस ना हो, आप लोगों को समझ में आए आप लोग कर क्या रहे हो। तो पहले तो समझा दिया मैंने आपको ब्रोकर्स की कहानी, अब बात करते हैं हम क्या करें। ऑब्वियसली वी नीड अ ब्रोकर दैट इज इन द मार्केट सिंस सम टाइम, अच्छा खासा टाइम मार्केट में हो, अच्छे रिव्यूज हो, अच्छी कंपनीज हो,
जैसे मैं आपको बताऊंगा मैं इस कंपनी को क्यों ट्रस्ट करता हूं, जो मैं आपको प्रमोट करने वाला हूं, क्या रीजन है मेरा प्रमोट करने का, आई विल शेयर दैट ऑल दैट विद यू, तो मैं बताऊंगा। अब बात रही इंडिया में, अब इंडिया में जो मैक्सिमम ब्रोकर्स है ना गाइस, जो छोटी मोटी दुकान खोल करके बैठे हैं और दुकान खोल करके भी करोड़ों कमा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज टेकिंग योर ट्रेड्स ना। अभी वो लोग आपको तुरंत इंस्टेंटली बोलेंगे, अरे सर हम आपको अकाउंट पैसा दे देंगे, हम आपको डाल देंगे आपके अकाउंट में, आईएमपीएस कर देंगे, कैश दे देंगे, बिटकॉइन दे देंगे, कर देंगे। बट ऑल दोस पीपल आर लोकल पीपल, आई डोंट नो अगर कुछ होता है तो आपका पैसा कितना सेफ है। अगर पैसा, अगर बात 25-30-50 हज़ार 1 लाख के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 लाख की तो भी प्रॉब्लम। अगर अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, गलती से धीरे 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 आपने कोई बड़ा पैसा बनाया, या फिर आपने कुछ स्मॉल 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 करते करते अपना स्किल डेवलप करके आज से 2 साल बाद आपने 50 लाख कमाया और तब नहीं मिला 50 लाख, तो क्या करेंगे आप, खुद सोच लें, आप समझदार हैं। दूसरी बात है, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो बहुत ज्यादा यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट कर रही है, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे ऐड कर रही है फेमस कंपनीज। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, किसी भी फॉरेक्स कंपनी का, एफएक्स कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट देयर आर द कंपनीज खुले में कर रही है। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट नहीं देखती होगी, आपको क्या लगता है लोग नहीं देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे ना, इसलिए को मतलब नहीं सी, लेकिन उनका वर्किंग कैसा है, ये भी आपको आईएमपीएस दे रहे हैं, ये पैसा जीपे से ले रहे हैं, सो कन्वीनियंट, जीपे से ले रहे हैं, जीपे पे दे रहे हैं, पता नहीं पूरा का पूरा P2P बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करा दे रहे हैं, मेरे को पे आउट चाहिए, तुझे विड्रॉ करना है तो अनिश के अकाउंट में डाल दे, ऐसा गेम चला के फेमस कंपनियां इंडिया में काम कर रही है। अगर कल को जब गवर्नमेंट को बंद करना होगा, एक बार में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो आप उतने फेमस ऑलरेडी हो और आपके जो भी वर्किंग है आपके ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है, तो डेफिनेटली दे कैन एनी टाइम शट इट। सो डू यू थिंक यू कैन ना चिल्लर बाजी कर, मजा करना करो, सीखो वगैरह, डालो 2,000 रुपए 5,000 रुपए, कैन यू सीरियसली ट्रेड बिग मनी विद देम, कैन यू सीरियसली ट्राई टू मेक अ करियर विद देम, बिकॉज व्हेन यू मेक अ कैपिटल ना, कैपिटल हमेशा ग्रो। सबसे बड़ी बात, एक मिलियनेयर को लगता है, एक मिलियनेयर ट्रेडर की कहानी समझाता हूं, एक मिलियनेयर ट्रेडर को लगता है कि भाई मैं तो मिलियनेयर ट्रेडर हूं, मैं तो 5 मिलियन मेरे पास पड़े हुए हैं। एक बात बताओ, ये भाई जो तेरे $5 मिलियन हैं, ये कहां पे हैं? ये ब्रोकर अकाउंट में है। सोचो, आप जो अपने आप को रिच समझते हो, या जो वो पैसा परमानेंटली आप निकालने का प्लान नहीं, आप नहीं कभी नहीं 5 मिलियन निकाल के खर्चा कर दोगे, आप निकालोगे थोड़ा बहुत, निकालोगे $500,000 निकालोगे, $1,00,000 निकालोगे, थोड़ा पूरा निकालोगे, हमेशा ट्राई करोगे इस अकाउंट को बिगर करने का। आप सोचिए, जहां पे आप अपना अकाउंट बिगर करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, क्या आप वहां पे बढ़ा सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। तो आई डोंट नो वेयर यू आर ओपन योर अकाउंट या ओपन करना चाहते हो, मैंने आपको पूरी सच्चाई बहुत ओपन सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दी, कैसे 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 ये सारी चीजें काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो, अब मैं अगला वीडियो फटाफट बनाऊंगा। दिस इज माय हैबिट टू कीप माय वीडियोस शॉर्ट एंड सिंपल, दैट इज व्हाई आई विल टेक लीव नाउ, इस वीडियो को बंद करूंगा और आपको आउट्रो वीडियो पे मिलूंगा, ठीक है? थैंक यू। ऑल राइट, तो आपने देखा किस तरीके से ECN STP ब्रोकर्स होते हैं एंड डीलिंग डेस्क होते हैं। अभी आप इनफ स्मार्ट हो समझने के लिए कि आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो तो जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एक नया वीडियो में लॉन्च करूंगा, जहां पे जो ब्रोकर के पास मैं मेरा फंड डिपॉजिट कर रहा हूं वहां आप भी कर सकते हो और वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आप वेट करें, और अगर आप सेटिस्फाइड अपने ब्रोकर के साथ तो बिल्कुल वहां काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैंने बातें बताई, दैट योर मनी, इवन इफ यू बिकम अ मिलियनेयर, यू विल ओनली बी अ मिलियनेयर क्योंकि आपका पैसा तो ब्रोकरेज अकाउंट में, अगर जीरोधा में रखा है ना, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दैट यू कीप योर मनी सेफ बिफोर यू बिकम, मेक इट एज अ करियर और इवन फॉर लर्निंग पर्पस। पैसा फालतू में क्यों बर्बाद करें? एंड आई होप आप लोगों को, अब अगला पार्ट इस वीडियो को खत्म करता हूं, आप लोगों के लिए बोनस पार्ट भी बनाया हुआ है, मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके दिया है, जो मैंने बना के दिया था, तो प्लीज एंजॉय दैट एज वेल, एंड थैंक यू, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। हां चलो, थैंक यू, बाय बाय। ऑल राइट, तो क्योंकि बैठ के वीडियो बना ही रहा था, तो मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी कल बनाया था, तो उसका क्यों ना एक बोनस के तौर पे ये भी डाल दूं। जो नहीं भी किया होगा आज ट्रेड, थोड़ा मतलब कम से कम एनालिसिस देख के कुछ तो सीखेगा, कुछ तो समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो चलो, एक बोनस पार्ट भी आपको इस वीडियो में दिया, जिसमें कि हम फटाफट देखेंगे जो एनालिसिस मैंने किया था, किस तरीके से मेरे लेवल्स काम किए। एनालिसिस तो देखो सिंपल था, लेवल्स देने का काम होता है, और लेवल्स को के ऊपर जो प्राइस एक्शन हुआ उसको अचीव करना आपका काम होता है, दैट इज योर जॉब। सो कमिंग बैक टू द ऑरेंज लिस्ट, ओके, लेट्स चेक आउट निफ्टी फर्स्ट। जो निफ्टी में लेवल्स दिए थे, क्या वो निफ्टी के लेवल्स काम आए? गाइस, ये दी थी मैंने आपको बाइंग पोजीशन, इसके ऊपर बाय करना है। पहली कैंडल यहीं पे जब आती है, इट्स अ गो बाय। अगर आप यहीं पे बाय करते, मैंने आपको बताया हुआ है
टारगेट आपका इतना आपको कहीं नहीं, 75 पॉइंट का टारगेट आपको कहीं नहीं गया एंड टाइम। अब इसके बाद ट्रेड करने के लिए कभी भी, इसके बाद आप अपने खुद पे ट्रेड करते हैं, दिस इज एन इवनिंग स्टार पैटर्न जो आप दिख रहा है आपको तीन कैंडल पे, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, तुरंत शॉर्ट करके वापस से टारगेट अचीव किया जा सकता था। मैंने पर्सनली क्या ट्रेड किया मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने पर्सनली सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया है आज के दिन पे, बेसिकली एक निफ्टी पे, एक बैंक निफ्टी पे, दोनों दो अकाउंट है मेरे स्मॉल बिग, तो दोनों पे लिया है। ये रहा मेरा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसके, ये रहा मेरा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बट मैं इसके पहले ही एंटर कर गया था आया, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में जब जिस दिन इस तरीके के लोअर बिग रिजेक्शन होते हैं दोबारा मार्केट, जब तीसरी बार मार्केट ने बिग बनाई और जैसे ही डोजी कन्फर्म हुआ, देखो एक रेड कैंडल एंड अ डोजी कन्फर्मेशन, डोजी एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल होता है, मैंने इस डोजी की क्लोजिंग पे एंटर किया है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, आई एंटर्ड अ लॉन्ग पोजीशन, जैसे डोजी बंद होता है मैंने एंटर किया और डोजी के बॉटम पे मैंने अपना स्टॉप लॉस, हाँ यहाँ कहीं मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। एंड गाइस ये मैंने, ये जो लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली थोड़ा नीचे मैंने अपना टारगेट टच होते ही एग्जिट किया है। So it was a 1:2 kind of trade था, 1:2 exactly थोड़ा नीचे मैंने किया इधर, हाँ 1:2 अभी भी बने था, मैंने यहाँ कहीं किया होगा, ये levels देख के मैंने exit किया। 1:2 का एक trade मैंने आज ही निफ्टी में लिया है, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी लिया है। बैंक निफ्टी के पहले levels चेक करते हैं, ये रहा levels जो मैंने आपको levels दिए थे, market touch the level and it come back, सारे levels पे काम कर रहा है। यहाँ भी वही scenario था, जब यहाँ पे मैंने ये डोजी देखा मैंने यहाँ पे भी वैसे ही ट्रेड लिया small account। रही बात बजाज फाइनेंस की, यहाँ भी लेवल्स देख लेते हैं, आपको क्लियरली मैंने बोला था इस बॉक्स के बाहर आपको ट्रेड करना है, मार्केट खुलता है ट्रेंड लाइन रिजेक्शन क्लोजिंग दिया मार्केट ने, यह आपको शॉर्ट करना है, यह आपका टारगेट कंप्लीट होता है। एसबीआई की बात करते हैं, जो दो लाइन बना के दी थी उसी के बीच में रह गया, देख लो एग्जैक्टली जो दो लाइन बना के दी थी उसके बीच में मार्केट है। रिलायंस में मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिया था, ट्रायंगल ब्रेकआउट किया और वापस से रीटेस्ट करके अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो दिस वॉज अ बिग मूव इन द मॉर्निंग एंड देन पूरे टाइम उसी ट्रेंड लाइन के टॉप पार्ट को टच कर रहा है। एक्सिस बैंक मैंने आपको दिया था कि भाई एक्सिस बैंक जैसे इस लेवल के ऊपर आता है आपको बाय करना है, एंड देख लो आपके सामने है एग्जैक्टली जो लेवल मैं आपको दिया 751 का, वहां पे वहां से सेम दो बार ट्रेड लिया जा सकता था, बट मैं नहीं कहता सुपर ट्रेडर कोई नहीं होता, एटलीस्ट ये लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता था, ये शॉर्ट ट्रेड दोनों में से एक लिया जा सकता था। HDFC बैंक आई हैव टोल्ड यू एकदम इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट का, मार्केट गैप अप खुल के नीचे गिर के अभी इस लेवल को तोड़ के टेस्ट कर गया है। यहाँ पे भी मैंने HDFC में भी मैंने ट्रेड लिया था, मैंने क्या ट्रेड लिया HDFC में, जैसे ही इसने बाहर क्लोजिंग दी है मैंने अपना स्टॉप लॉस ये यहाँ कहीं लगा करके ट्रेड लिया और छोटा टारगेट लिया HDFC बैंक में, क्योंकि जैसे ही मैंने ये करीबन ज्यादा नहीं ले पाया, बहुत छोटा टारगेट था, अराउंड इसकी क्लोजिंग पे मैंने लिया होगा, बेसिकली मैंने क्विट किया ट्रेड। ये क्विट क्यों किया ट्रेड मैंने HDFC का, क्योंकि मैंने सेम टाइम इसी टाइम पे मैं लॉन्ग गया बैंक निफ्टी निफ्टी पे, तो आई एम नॉट स्टूपिड, शॉर्ट ऑन HDFC बैंक एंड लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी, ऑब्वियसली दे विल गो अप, दैट्स व्हाई आई क्विट माय ट्रेड इन सम प्लेस, एंड इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट ही हुआ। कोल इंडिया दिया था आपको मैंने, खरीदा आपका एक पोजिशनल ट्रेड था कोल इंडिया, इट अगेन वेंट गैप अप एंड कंसोलिडेटेड। अदानी एंटरप्राइज तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था बस कि हाँ लास्ट वीक का ट्रेड था, ब्लू स्टार भी लास्ट वीक का ट्रेड था, दैट इज इट इज स्टिल ऑन। सो दैट्स इट, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया मार्केट कैसे कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके सो थैंक, आई होप आपको पसंद आया होगा ये चीज भी, एंड यस इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया स्टॉक मार्केट आई सजेस्ट यू टू ओपन अकाउंट इन Zerodha, जिसकी लिंक मेरे हर वीडियो में मिलेगी। इफ यू आर रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, गो अहेड ओपन योर अकाउंट इन Zerodha, एंड फॉरेक्स वीडियो का एक बोनस पार्ट है डेफिनेटली, अभी आपको क्या चार्जेस समझाने वो वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद सीधे मैं आपको फॉरेक्स वीडियो की लिंक देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर मोर सीरीज लाइक दिस।